हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लासिक्स साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, और क्योंकि हमने जो पहला चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग जो है दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब दूसरे चैप्टर में पढ़ने से पहले जो चैप्टर का नेम है, सबसे पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का नेम है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते क्या हैं, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स को हिंदी में हम कहते हैं घटक। कंपोनेंट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? घटक। तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक। तो अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज करके सीखना चाहते हैं। जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा हुआ था कि फ़ूड के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। फूड के इंग्रेडिएंट्स का मतलब किसी फूड आइटम या किसी डिश को बनाने में जो सामग्री या जो सामान होते हैं उनको हम फूड के इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमको रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए सिंपल हमको आटा चाहिए और पानी चाहिए। सिर्फ दो चीज़ों का यूज करके हम रोटी बना सकते हैं। जो पानी हो गया और आटा हो गया, ये दोनों फूड के क्या हो जाएंगे, जो रोटी बनती है उसके इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। लेकिन जो फूड का कंपोनेंट होता है, फूड कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी चावल खाता है और कोई आदमी जो है रोटी खाता है, तो अगर कोई जो है खाली खाली चावल खाए या खाली खाली रोटी खाए वो, तभी वो आसानी से जीवित रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा। हालांकि चावल और रोटी के साथ में उसको कुछ और भी चीज़ें साथ में खानी पड़ेंगी। तो जैसे आपने बहुत सारे रोगों के बारे में सुना होगा, जैसे आप जानते होंगे कि जो रत्नावधि होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, रात में दिखाई ना देना, आँख की बीमारी होती है। तो जो हमारा भोजन होता है उसमें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी जो कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी कुछ पदार्थ होते हैं, उनको हम फूड कंपोनेंट नाम देते हैं। तो ये जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमारे भोजन में अगर रहते हैं तब हमारा भोजन जो है बढ़िया होता है, हमारे बॉडी में कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं कि फूड कंपोनेंट्स को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। तो आइए इसको हम बुक रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 बी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी एट। बी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। तो यहाँ पे इंडिया का मैप तो हमने कभी मार्क नहीं किया, लेकिन हम ये चीज़ जानते हैं कि जो डिफरेंट हमारी कंट्री के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें अलग अलग फूड हैबिट्स होते हैं ह्यूमंस के। तो जैसे साउथ इंडिया में हमने आपको बताया था कि ज़्यादातर लोग चावल पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ कम उगाया जाता है, इस कारण से वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। और जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर गेहूँ ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर लोग जो है रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके कल्चर में रोटी खाना ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लेते हैं कोई वेजिटेरियन होता है या कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, तो जो वेजिटेरियन होता है वो जो वेजिटेबल्स को ही खा करके, जो शाक सब्जी या प्लांट प्रोडक्ट्स को खा करके अपने जीवन को यापित करता है, जीवन जीता है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स या जैसे कि उनके मांस वगैरह को खा करके भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे शरीर को आवश्यक कुछ विशेष पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम फूड कंपोनेंट्स कहते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले, इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, हमारे भोजन में पाए जाने वाले कुछ विशेष पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए विशेष आवश्यक होते हैं, उनको हम फूड कंपोनेंट्स कहते हैं। तो फूड इंग्रेडिएंट क्या होते हैं और फूड कंपोनेंट क्या होते हैं, ये हमको पता चल गया है। तो जो इंग्रेडिएंट होता है वो सिंपल सी बात है कि जो सामग्री यूज करते हैं भोजन बनाने में वो होता है, लेकिन फूड कंपोनेंट का मतलब ये होता है जो पदार्थ, जो चीज़ें हमारे शरीर को ज़रूरी हैं, उन अलग अलग पदार्थों को या सब्सटेंसेज को हम फूड कंपोनेंट्स कहते हैं। तो आइए फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक कोई खाना हो सकता है जो रोटी और दाल और बैंगन की सब्ज़ी ये इंक्लूड कर सकता है। अगला कोई खाना हो सकता है इनादर में भी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। तो अगला जो हो सकता है वो सांभर हो सकता है और वेजिटेबल प्रिपरेशन जैसे भिंडी की सब्ज़ी भी हो सकती है बनी हुई, इसको भी कोई खा सकता है। येट यहाँ तक कि इनादर मील कुड बी अपम फिश करी
एंड वेजिटेबल्स, दूसरा जो होता है मछली और साथ में एफएम, ये भी इंक्लूड कर सकता है अपने आप में। तो हम देखते हैं कि जो हमारा फूड होता है वो ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही तरह का फूड खाते हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। जैसे कोई दाल चावल खा लिया, कोई रोटी सब्जी खा लिया, किसी ने दूध खा लिया, और किसी ने जो दूध पिया या दूध के पदार्थ खाए, या किसी ने जो है मांस मांस से या मीट वगैरह कुछ खा लिया। लेकिन जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो रोटी सब्जी में भी मिल जाती हैं। अगर कोई दूध के प्रोडक्ट्स को खाता है उसमें भी मिल जाती हैं, अगर कोई मीट खाता है तो उसमें भी मिल जाते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हमारे शरीर को प्राप्त करना होता है, उन्हीं ज़रूरी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, फूड कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये हमने देखा। अब यहाँ देखिए एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, आवर मील्स एक्टिविटी वन, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो भोजन होता है किसी प्रकार के अनाज से बना हुआ एक आइटम ज़रूर रखता है। जैसे हम दाल चावल खाते हैं तो यहाँ पे चावल जो होता है वो अनाज का होता है। अगर हम रोटी सब्जी खाते हैं तो यहाँ पे रोटी अनाज की बनी हुई हो जाती है। फिर से पढ़ते हैं थोड़ा आगे, अदर आइटम्स कुड बी ए दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरा आइटम जो हो सकता है वो दाल हो सकता है या कोई दूसरा डिश हो सकता है जो कि मीट का बना हो या वेजिटेबल्स का बना हो। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। तो ये जो है कर्ड दही, बटर मतलब मक्खन, दूध एंड पिकल्स अचार को भी ये रख सकता है। आगे देखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो 2.1 है एक टेबल दिया है, उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के जो है आइटम्स को दिया गया है डिफरेंट रीजन्स के। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपेक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर वन। तो चैप्टर वन में कोई मैप आपने डिपेक्ट किया होगा। डिपेक्ट करने का मतलब होता है प्रदर्शित करना। एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। तो पहले हम टेबल 2.1 जो है उसको हम देख लेते हैं। ये आ गया आपका टेबल 2.1, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स स्टेट्स। तो जो कॉमन मील होता है डिफरेंट स्टेट का, तो यहाँ पे देखिए टेबल में सबसे पहला कॉलम रीजन का है, दूसरा कॉलम आइटम ऑफ ग्रेन का है, और तीसरा कॉलम जो है वो आइटम ऑफ दाल मीट, और चौथा जो है वेजिटेबल्स का है, और पांचवा कॉलम जो है अदर्स का है। तो यहाँ पे देखिए पंजाब का सबसे पहले दिया हुआ है, क्योंकि जो पंजाब का खाना होता है वहाँ की जो फेमस फूड है वो मक्के की रोटी और राजमा का जो है दाल बना हुआ हो सकता है, और सरसों का साग, सरसों आप जानते हैं मस्टर्ड जो होती है उसको सरसों कहते हैं। तो सरसों और मक्के की रोटी और सरसों का साग और साथ में राजमा का दाल भी हो सकता है, और साथ में दही और घी। घी क्या करते हैं, रोटी में लगा कर खाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पंजाब का जो भोजन है उसमें मक्के की रोटी और सरसों का साग और राजमा का दाल या इससे बना हुआ पदार्थ, और साथ जो है दही और घी। तो एक फूड तो ये हो गया। दूसरा फूड अगर हम आंध्र प्रदेश का देखें तो आंध्र प्रदेश में लोग क्या खाते हैं, जो दूसरे कॉलम में दिया गया है, आइटम ऑफ ग्रेन का मतलब यहाँ पे चावल होता है, आइटम ऑफ दाल मीट का मतलब यहाँ तूर दाल एंड राजम। तो यहाँ पे देखिए चारों दिया गया है, तो ये दाल एक प्रोडक्ट हो गया, दूसरा चावल हो गया, और यहाँ पे कुंदरू जो है एक दिया गया है, तो डोंट कई यहाँ पे दिया गया है, ये आपने खाए भी होंगे कुंदरू, तो ये इसकी सब्ज़ी बन सकती है। और इसके बाद में देखिए बटर, मिल्क, घी, पिकल। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है और घी हो सकता है और पिकल हो सकता है। तो ये यहाँ का फूड आइटम है। इसी तरीके से आप अपने घर में जो कुछ खाते हैं उसका भी ये लिख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है, जैसे खासकर अपने यूपी में अपने यहाँ पे जो भोजन खाया जाता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चावल और रोटी हम लिख सकते हैं जो पहला वाला कॉलम है, यूपी में यहाँ पे राइस जहाँ पे लिखा है उसके नीचे जस्ट लिख सकते हैं चावल और रोटी। थोड़ा सा इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे रोटी या चावल हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दाल लिख सकते हैं, यहाँ पे सब्ज़ी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ हम दो चम्मच घी लिख सकते हैं कि दाल में डाल के हम खाते हैं। तो ये अपने यूपी के लिए हो जाएगा, जो साधारण खाना है जो हम लोग रोज़ खाते हैं उसके लिए यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस तरीके का जो है एक हम टेबल यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली, कहाँ से हम पढ़ते हैं, यहाँ से तो स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव
ऑल दिस वेराइटी इन आवर मेल्स, और कभी कभी हमारे पास वास्तव में ये सारी वेराइटी मेल्स के नहीं होती हैं। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग बी में एट वेदर इज अवेलेबल ऑन द वे, तो जब हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो ये सारे आइटम्स हमारे पास में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमें रास्ते में जो कुछ मिल जाता है वही खा लेते हैं, जैसे बिस्किट हो गए या कुछ चूरा हो गया, चने हो गए, इन सबको हम खा के जो है अपनी ट्रेवलिंग को पूरा कर लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे जो बाहर काम करने वाले हैं, बाहर जिनका आना जाना रहता है, तो ज़्यादातर लोग जो है सारे फूड आइटम्स को जो है रोज़ नहीं खा पाते हैं। आगे देखिए, देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू व्हिच व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न दो, तो यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा जिसके कारण जो हमारा फूड होता है इतने सारे वैरायटीज़ को कंटेन करता है, इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रखता है फूड में। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज, क्या तुम ये सोचते हो कि हमारा जो फूड होता है उसमें अलग अलग चीज़ें क्यों इंक्लूड की जाती हैं, क्यों शामिल किया जाता है, इसका कोई कारण होगा? तो निश्चित रूप से इसका कारण ये है, हम अलग अलग चीज़ों को खाते हैं, दाल रोटी सब्ज़ी या जो भी अलग अलग चीज़ें खाते हैं, सिर्फ हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को कुछ विशेष पदार्थों की ज़रूरत होती है जो हमको फूड से मिलता है, और वो सभी पदार्थ किसी एक ही फूड डिश में नहीं होते हैं, तो इसलिए हम जो है अलग अलग प्रकार के फूड को खाते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, जो अलग अलग हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो क्या क्या अपने में कंटेन करते हैं, जैसे जो रोटी है वो कुछ विशेष पदार्थों को अपने अंदर रखती होगी, चावल है उसमें भी कुछ विशेष पदार्थ उसके अंदर पाए जाते होंगे, या हम सब्ज़ी बनाते हैं तो कुछ विशेष पदार्थ उसमें भी होंगे, हम दूध लेते हैं तो उसमें भी कुछ विशेष पदार्थ होते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई एक ही फूड डिश हो जो चार पाँच प्रकार के जो है पदार्थों को अपने अंदर रखता हो, ऐसा भी हो सकता है कोई एक फूड आइटम है, फूड डिश है जो सिर्फ दो ही प्रकार के आइटम्स को अपने अंदर रखता हो। तो आइए इसको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। बी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, हम जानते हैं कि हमारा कोई भी डिश होता है एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स से बना होता है। जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए क्या होता है, आटा और पानी के इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, चावल बनाना है इसमें चावल और पानी की ज़रूरत होती है, सब्ज़ी बनानी तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जिनको हम प्लांट और एनिमल्स से पाते हैं, दीज इंग्रेडिएंट्स कॉन्टेन सम कॉम्पोनेंट्स दैट आर नीडेड बाई आवर बॉडी, तो ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स को जो है अपने अंदर रखते हैं जो जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, तो इन कॉम्पोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो हमारा फूड होता है वो कुछ विशेष पदार्थ के विशेष प्रकार के पदार्थों को अपने अंदर रखता है जो हमारे शरीर को ज़रूरी होता है, और इन्हीं कॉम्पोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इन आवर फूड, यहाँ से हम पढ़ते हैं, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो जो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट दिया है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा फैट है, चौथा विटामिन है, और पांचवा क्या है, मिनरल्स है। तो ये जो है मेजर फूड कंपोनेंट्स जो हैं ये हमारे न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, पोषक तत्व। तो जो मेजर या बड़े जो पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में होने चाहिए वो हमारे पास कितने हैं, पूरे पाँच हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर व्हिच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, तो इसके बाद भी जो हमारा भोजन होता है वो पानी और डाइटरी फाइबर को भी जो है कंटेन करता है। पानी क्या होता है हमारे बॉडी में, देखिए ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के और जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है ये काम करता है पानी, साथ ही जो फाइबर होता है हमारे फूड जो भी हम भोजन खाते हैं उसको हमारे मुंह से लेकर के और पूरे बॉडी में उसको या पेट को साफ करने में या फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने में ये इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो आगे हम देखिए, डू ऑल, यहाँ से पढ़ते हैं, डू ऑल फूड्स कॉन्टेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स,
क्या सभी भोजन इन सारे न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, और कुछ ऐसे फूड होते हैं जो सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन नहीं करते हैं। किसी में प्रोटीन होता है तो फैट नहीं होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है तो विटामिन नहीं होता है, तो इस तरीके से। और किस में दो चीज़ें होती हैं तीसरा नहीं होता है, किसी में चार होती हैं पांचवा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी जो हमारे फूड होते हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ कंटेन करते हैं और कुछ जो है कंटेन नहीं करते हैं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए न्यू इन्ग्रीडियंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ सरल विधियों के द्वारा हम ये टेस्ट कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई फूड आइटम जो है इन न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है या नहीं कंटेन करता है, रखता है अपने अंदर या नहीं। कंटेन का मतलब होता है रखना, तो अगर उसके अंदर है तो कंटेन करता है, अगर उसके अंदर नहीं है तो कंटेन नहीं करता है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स एंड आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट फॉर द न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारे पास में प्रोटीन फैट और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट और का जो टेस्ट होता है ये बहुत आसान होता है बाकी सारे जो फूड बाकी सारे कंपोनेंट की अपेक्षा। यानी अगर किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है उसको हम आसानी से चेक कर लेंगे, अगर किसी फूड आइटम में प्रोटीन है उसको भी हम आसानी से चेक कर लेंगे, अगर किसी फूड आइटम में फैट है तो उसको भी हम आसानी से चेक कर लेंगे, लेकिन जो बाकी के विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं उनको चेक करना थोड़ा सा कठिन है। क्योंकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, पांच हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम इनमें से जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स का तो चेक आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो विटामिन और मिनरल हैं इनका चेक हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉल ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। तो यहाँ पे देखिए, जो कुछ ऑब्जर्व कुछ टेस्ट हम करते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन जो हमने 2.2 में देखे हैं उसको हम याद करते हैं। तो जो यहाँ पे टेबल 2.2 है उसको हम आगे देखेंगे, ये तो हमने टेबल 2.1 अभी तक पढ़ा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। तो इसके लिए जो है आपको आयोडीन सॉल्यूशन ज़रूरी होगा, कॉपर सल्फेट ज़रूरी होगा और कास्टिक सोडा ज़रूरी होगा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। तो क्या चीज़ ज़रूरी होगा, कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर हमको ज़रूरी होते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टेस्टिंग फॉर प्रोटीन एक जो है चित्र यहाँ पे आपको दिया गया है। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो हाथ में ये जो पकड़ रखा है लड़का, इसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, और ये जो बच्चों की दवा पिलाने वाली जो एक इस तरीके की आपने देखा होगा, इसको हम ड्रॉपर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रॉपर। एक ड्रॉपर यहाँ नीचे भी रखा हुआ है। उसके बाद में ये कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है घोल। जैसे किसी एक गिलास में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम पानी डाल करके और इसमें हम नमक, इसमें हम साल्ट और शुगर इसमें डाल दें, यानी चीनी और पानी डालकर इसमें घोल दें, तो ये चीनी पानी का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से जो यहाँ पे बच्चा अपने हाथ में इस हाथ में जो पकड़ रखा है इसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ये लंबी सी टेस्ट ट्यूब है, और जो दाएं हाथ में पकड़ रखा है उसको हम ड्रॉपर बोलते हैं, और ये सॉल्यूशंस के बॉटल्स हैं। कास्टिक सोडा का पहला वाला लिखा हुआ है और दूसरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अब हमको पता चल गया कि टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ड्रॉपर क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा जहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ से पढ़ना फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, इस टेस्ट को करने के लिए हमको आयोडीन और कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा ये ज़रूरी होता है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। तो टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर का भी यूज होता है। तो हम फिर से अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्राई दीज से यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो इनको जो है हम पके हुए भोजन के साथ और कच्चे मटेरियल के साथ भी टेस्ट करेंगे। टेबल 2.2 शोज यू अबे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। तो टेबल 2.2 जो कि नीचे आपको मिलेगा, उसमें जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो कुछ हमको मिलेगा, निष्कर्ष जो हम निकालेंगे, जो कुछ हम देखेंगे निरीक्षण, उसको हम नीचे लिखेंगे। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज
और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, तो जो आपको टेस्ट करना है इस टेबल में जो फूड आइटम दिए हैं उसके साथ कर सकते हो, या कोई और फूड आइटम हो आपके पास जो अवेलेबल उसके साथ भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। तो जब भी हम कोई टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमको बहुत सावधानी से टेस्ट करना होता है। किसी भी केमिकल को हमको ना तो छूना चाहिए हाथ से, हाथ में हम ग्लव्स लगा के यूज करें इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और किसी को भी बिल्कुल भी कभी किसी परिस्थिति में टेस्ट करने की तो बिल्कुल भी सोचिए नहीं, बिल्कुल टेस्ट नहीं करना है। आगे देखिए, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फ्रॉम एवर रेडीमेड फॉर्म, तो अगर ये जो सॉल्यूशंस हैं रेडीमेड फॉर्म में यानी बने बनाए फॉर्म में हमको अवेलेबल नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स, तो इसको हम लोग लैब में भी आसानी से बना सकते हैं। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं बनाते कैसे हैं। ये यहाँ पे देखिए, जो ये चित्र आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे तीन बॉक्स बने हुए हैं। तो सबसे ऊपर वाले बॉक्स को हम पढ़ते हैं कि जो हम आयोडीन सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन, तो टिंक्चर आयोडीन को ऐड करेंगे हम किसी पानी में और इसका सॉल्यूशन बनाए टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर, तो आधी भरी हुई टेस्ट ट्यूब में आधा पानी भरा हो उसमें हम टिंक्चर आयोडीन को डाल करके इस आयोडीन सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, तो 100 ml पानी में जब हम 2 gram कॉपर सल्फेट को डालकर बना देते हैं तो जो हमको ज़रूरी सॉल्यूशन है वो हमको मिल जाता है, यानी जितनी मात्रा में घोलना है वो हमको मिल जाता है। अगला देखिए, 10 grams ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, तो 100 gram कास्टिक सोडा को हम 10 gram कास्टिक सोडा को जब हम 100 ml पानी में खोल देते हैं तो जो हमें कास्टिक सोडा का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो मिल जाता है। तो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आयोडीन सॉल्यूशन चाहे बनाना हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन हमको बनाना हो, बड़ी आसानी से हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं, देखिए इन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इफ़ द रिक्वायर्ड, तो पढ़ते हैं, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स, तो जो बॉक्स में दिया है उस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, तो चलिए सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं कि अगर कोई फूड आइटम कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर कंटेन करता है अथवा नहीं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर्स, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन जो मेन फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के वो स्टार्च और सुगर होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक ही होती हैं लेकिन उनका जो है रूप अलग अलग होता है। जैसे सिंपली मान लेते हैं हमारे शहर में या गांव में जो घर होता है, तो घर आप देखते हो कोई छोटा घर होता है, कोई बड़ा घर होता है, और कोई छप्पर का बना हुआ घर होता है, किसी में टिन लगा हुआ घर होता है, तो घर तो सभी हैं लेकिन वो सभी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, यह भी कार्बोहाइड्रेट तो सभी होंगे लेकिन सभी जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जैसे हमने शुगर का नाम सुना होगा चीनी का, या स्टार्च जो होता है चावल में मिलता है, तो चीनी और स्टार्च जो होता है, शुगर एंड स्टार्च, ये जो है सिंपल फॉर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो सिंपल नहीं कहा जा सकता, मतलब दो फॉर्म्स हैं, सिंपल फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है ग्लूकोज होता है। आगे देखिए, वी कैन इजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई फूड आइटम स्टार्च को कंटेन करता है कि नहीं करता है। जैसे आलू जो होता है या चावल होता है स्टार्च को कंटेन करता है, और जो शुगर होता है चीनी, या जो चीनी आप जानते हैं ये भी एक कंपाउंड होता है, ये गन्ने में मिलता है। अब देखिए स्टार्च के लिए हम कैसे टेस्ट करते हैं, एक्टिविटी 2 यहाँ पर दी गई है। तो टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए टेस्ट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 drops ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, तो जो फूड आइटम है उसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसमें हम 2-3 drop डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का लेते हैं। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है,
डाइल्यूट का मतलब होता है पतला सॉल्यूशन या हल्का सॉल्यूशन, और जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसका मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन या जो घुलने वाला पदार्थ उसको ज़्यादा मात्रा में डाल दिया गया है। तो डाइल्यूट का मतलब इसमें जो चीज़ घोला गया है आयोडीन वो थोड़ी कम मात्रा में है, तो इसलिए इसको हम आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। तो जो फूड आइटम हमने लिया था उसके वो फूड आइटम हमने थोड़ा सा ले लिया, यहाँ देखिए नीचे चित्र में दिया गया है। तो यहाँ देखिए एक जो है कटोरी है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए एक कटोरी है। इस कटोरी में बच्चों ने क्या किया है, फूड आइटम ले लिया है। जो ये फूड आइटम यहाँ पे दिख रहा है इसको कटोरी में पहले हमने डाल लिया है, उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन से हम एक ड्रॉपर में आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं और उसके बाद इस आयोडीन सॉल्यूशन को इसके ऊपर 2-3 बूंद इसमें डालते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। तो डालने के बाद में ऑब्जर्व इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। जो फूड आइटम हमने इस कटोरी में रखा था क्या उसके कलर में कोई चेंज होता है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये जो है नीला और काले कलर का, गहरा नीला या काले कलर का हो जाता है। अगर जो हमारा फूड आइटम है वो गहरा नीला या काले कलर का हो जाता है तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर ये कलर चेंज नहीं करता है तो इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि किसी फूड आइटम में हमको अगर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, जो हमारा फूड आइटम है उसको एक कटोरी में आप इस तरीके से ले लीजिएगा और आयोडीन सॉल्यूशन को आप ड्रॉपर में भर करके और 2-3 बूंदें इस फूड आइटम पे जब आप ड्रॉप कर देंगे तो फूड आइटम जो हमारा फूड है अगर वो नीले या काले कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट है। और सिंपल से अगर आप इसमें चावल का टेस्ट करते हैं, पके चावल लेकर के थोड़ा सा, तो चावल में जो है कलर का बिल्कुल चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। यानी ब्लू ब्लैक का मतलब होता है हल्का सा नीला और काले कलर में इस तरीके से चेंज हो, गहरा नीला जिसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से स्टार्च की टेस्टिंग हम कर सकते हैं। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, एक जो है ब्लू ब्लैक कलर अगर इसमें आ जाता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से इसमें स्टार्च होता है। रिपीट दिस टेस्ट फॉर अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब यहाँ देखिए नीचे टेबल 2.2 है, इसमें आपको क्या करना है इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम चूँकि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पहले फूड आइटम के लिए टेस्ट किया, इसीलिए हम रोटी के लिए चेक कर सकते हैं, चावल के लिए चेक कर सकते हैं और मक्के के आटे के साथ चेक कर सकते हैं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हमें चेक कर सकते हैं कि इसमें प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है कि नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हमने पढ़ लिया है, अगले वीडियो में हम इसमें जो है टेस्ट फॉर प्रोटीन का टेस्ट पढ़ेंगे। और हम आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।